बंगला घोड़ा आज प्रस्तुत है बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री बादल सरकार के बंगला मंचीय नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतर। हिंदी अनुवाद और रेडियो रूपांतर डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। श्री बादल सरकार नाटक की आधुनिक विधा के प्रमुख नाटककार हैं। आज के मानव जीवन का व्यंगात्मक चित्रण इनके नाटकों की अपनी विशेषता है। सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें इनकी नाट्य कला के लिए विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री बादल सरकार का ये नाटक पगला घोड़ा। डिक्लेयर चिड़ी। अरे वाह, डबल की बाजी है, याद है ना? 18 बोले हो शशिदा। ये रहा। अरे बस, रंग खलास। अरे किस बूते पे चिड़िया रंग बोला था? एक और एक दो तीन छह दो आठ दस बारह तेरह। दो काला खोरिए शशि बाबू, ये लीजिए। पांच काला हो गया साधु बाबू, बस एक और खुल जाए तो इन लोगों की काली झंडी तैयार। अरे भाई, ताश के इस 29 के खेल के साथ साथ उधर जल रही चिता का भी कुछ पता चलता रहता तो। मैं देख कर आता हूँ कि अभी कितनी जाएगी। इस अंधेरी रात में बेचारा हिमाद्री हर बार चिता को देखने जाता है। अरे अभी कम उम्र का है, हम लोगों से कितना छोटा है, दो बार चला ही गया तो क्या हुआ। हम लोग भी जब इसकी उम्र के थे ना तो इसी तरह न जाने। कार्तिक बाबू तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इनकी न जाने कितनी उम्र हो गई हो। अब तक कितने बसंत पार किए हैं आपने, सुनो तो जरा। अभी पिछले फागुन में 49 पूरे किए हैं। वाह कार्तिक बाबू वाह, बसंत पार किए हैं 49 और गुमान इतना? अरे मैं 2 साल पहले 49 पार कर चुका हूँ। आप 51 साल के हैं? हाँ? मैं तो मानता था कि कार्तिक बाबू ज्यादा नहीं तो आपसे 10 साल तो बड़े होंगे। अरे नहीं शशि बाबू, रात दिन कुलियों से माथा मारते ही बीत जाता है। सर्दी गर्मी रात दिन कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे बूढ़े होने का समय ही कहाँ मिला। सर साधु बाबू, आपको देखकर मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर दूं। आप लोगों की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग लाइफ का कोई शौक नहीं, मैं जैसे हूँ वैसे ही सुखी हूँ। जी हाँ, बड़े सुखी हैं। दवा खाने में दवा का ठीक माप करते करते आंखों के 12 बज गए और कमरे के एक कोने में दिन भर स्टूल पर बैठे बैठे सारे जोड़ों को गठिया ने जगा। अरे भाई, कमरे के एक कोने में बैठे बैठे ही कार्तिक कंपाउंडर ने बहुत दुनिया देखी। सभी को घूम फिर कर दवा खाने में हाजिरी देने तो आना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे सबको यहाँ शमशान में आना पड़ता है। हाँ, आप ही लोग तो यहाँ के सिंह द्वार हैं। साधु बाबू, वो निकालेंगे नहीं क्या? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। हिमाद्री के सामने पियेंगे। अरे हिमाद्री बच्चा तो नहीं है, 30 के आसपास पहुंचा होगा। वो टीचर जो है, अब फिर उसे आदर्श वादर्श का रोग भी लगा रहता है ना। आदर्श है? आदर्श। सातू बाबू, निकालिए ना बोतल अपने बैग से। ये लीजिए, फिलहाल विस्की है, कितने दिनों से देखने तक को नसीब नहीं हुई। 4 गिलासों का क्या कीजिएगा सातू बाबू, क्या सोच रखा है कि हिमाद्री भी पिएगा? अरे इतना हिसाब कौन लगाता है शशि बाबू, अर्थी लाने वाले 4 आदमी थे तो 4 गिलास लेता आया और साथ ही विस्की की एक और बोतल भी। देखिए कार्तिक बाबू, ये क्या, आप एक और बोतल ले आए अपनी गांठ से पैसा खर्च कर? मलिक बाबू ने जब अपनी तरफ से एक बोतल दी ही थी तो ये दूसरी बोतल लाने क्या जरूरत थी? सच पूछिए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मलिक बाबू ने आखिर बोतल दी ही क्यों। मलिक बाबू का इसमें कुछ मतलब था, अपना स्वार्थ था इसीलिए उन्होंने। स्वार्थ? जिस लड़की की अर्थी हम उठाकर यहाँ लाए हैं और जो वहाँ चिता में जल रही है, आप उसे जानते थे ना? मैंने तो पहली बार देखा। लड़की कौन है, उसका क्या किस्सा है, ये सब भी ना जानते हो? ना, मैं कहाँ से जानूंगा। अर्थी उठाने के लिए आप लोगों ने बुलाया, मैं आ गया, मैं क्या जानू कौन है ये लड़की।
कौन हूँ, मेरा किस्सा क्या है, तुम लोग नहीं जानते। इस मृत लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है सातु बाबू, बहुत बड़ा। मुझे तो लड़की का कोई भी दोष नहीं लगा। लड़की का एकमात्र दोष ये था कि वो लड़की थी। हाँ, कह तो आप ठीक ही रहे। हाँ भाई, आप लोग तो इस किस्से को और भी पेचीदा बनाए जा रहे हैं, लगता है जैसे इसके पीछे कोई रहस्य हो। किसकी जिंदगी में रहस्य नहीं है और किस्सा किसकी जिंदगी में किस्सा नहीं है, तुम लोगों का कोई किस्सा नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, सब कह डालो ना, देखोगे कि तुम सबका किस्सा एक जैसा ही है, सबका एक जैसा किस्सा मिलकर एक रूप हो जाएगा। रहस्य? हाँ सो क्यों नहीं, लो हिमाद्री भी आ गया। क्यों हिमाद्री, चिता ठीक तरह से जल रही है ना? हाँ, अब कुछ देर निश्चिंत हुआ जा सकता है। अरे बैठो बैठो, अरे बोतल की ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ये भी है सातु बाबू, ये बोतल खोलिएगा नहीं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लीजिए। हिमाद्री बाबू बुरा मत मानिएगा, सुना आप ये सब नहीं कर। नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। भाई सोडा तो है नहीं, किसी को पानी चाहिए? जी नहीं, पानी मिलाकर मैं इसे चौपट नहीं करना चाहता, नीट ही ठीक रहे। वाह 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 वाह, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ हिमाद्री, जरा सी चक्कर देखो कि। नहीं नहीं। क्यों, सिद्धांत का सवाल है? स्कूल टीचर का कोई सिद्धांत ना भी हो तो भी उसे उसका खोल तो ओढ़ना ही पड़ता है। लीजिए शुरू कीजिए ना आप लोग। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या? अब आ काते था, पीने से पहले चीयर्स किया जाता है, आप नहीं जानते? ना भाई ना, मैं तो कहता हूँ तारा तारा काली ब्रह्ममयी माँ। हिमाद्री तुम तो अभी चिता को देखकर आए हो, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। आग खूब तेज जल रही। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है ना, जलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये साधु बाबू, ये कुत्ते की रुलाई सुनकर आप ऐसे चौंक क्यों पड़े? नहीं, कुत्ते की यह आवाज मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। अरे कार्तिक बाबू, 5 काला तो खुला ही है, इन लोगों की काली झंडी नहीं खुलवाइएगा। नहीं क्यों, आओ तो हिमाद्री, अभी सब काला बंद करके लाल करता हूं। बोलिए। 16 पास। मेरे। 17 मेरे पास। साहब बीबी पैर, साहब बीबी पैर, पैर ना 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 जोड़ा, वो कविता थी ना, मौसी सुनाया करती थी, जोड़ा जोड़ा। हाँ याद आया, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, आता है ये पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है, पगला गया है, बंदूक से उसे मार दिया गया है। ऑल राइट वेरी गुड, ऑल राइट वेरी गुड, ऑल राइट वेरी गुड, ऑल राइट वेरी गुड, ऑल राइट। नहीं, 11 11 13 13 16 16 16, चलिए काली झंडी हो गई। अब एक बाजी और हो जाए। नहीं साधु बाबू, अब और नहीं, मन नहीं कर रहा, और दीजिए तो विस्की। ये हुई ना बात हुजूर, आइए बड़ी खुशी से लीजिए। कार्तिक बाबू आप? डिटो, मैं कभी पास नहीं करता। हिमाद्री बाबू बेचार कुछ पतला? नहीं अभी तो नहीं। शशि बाबू, ये बात क्या है, आप इस तरह बेचैन क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे पैर जकड़ गया, दर्द करने लगा। ये पैर तो कुछ मेरा भी जकड़ गया है। शशि बाबू क्या सचमुच और नहीं देख लीजिएगा? नहीं, अगर आप कहेंगे तो खेल ही लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मन ना हो तो हटाइए, इससे अच्छा तो कुछ बातचीत ही की जाए। कार्तिक बाबू शुरू कीजिए। मैं? हाँ, आपने ही कहा ना कि सिंह द्वार पर बैठे बैठे आप सारी दुनिया की खबर लिया करते हैं। अरे उसी में से एक आध मजेदार किस्सा सुनाइए ना। मजेदार किस्सा? शमशान में?
ये फिर आ गया, देखूं इसे खदेड़ा जा सके तो। हिमाद्री आओ, तब तक एक बाजी रंग में लव्वल खेली जाए। हाँ। अरे शशि बाबू उधर क्या सोच रहे हैं? मालती की याद कर रहे हो क्या? बाप रे बाप, कैसी अंधेरी रात है, आज का चंद्रमा एकदम गायब है। अच्छा, उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? ऐसे ही छोटे साइज का था शायद, या बड़ा था? अच्छा, उस दिन पूर्णिमा थी क्या? ख्याल नहीं किया था। क्यों, शमशान पर आकर कौन उतना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए थे, जला कर चले गए। मालती का मुर्दा जलाने आए थे यहाँ, याद नहीं है? तुम और तुम्हारा वो लायक दोस्त प्रदीप या दीपक, न जाने क्या नाम था। प्रदीप, शैतान कहीं का। एकदम ठीक, शैतान, पक्का शैतान था, उसी के लिए तो मालती। साधु बाबू ने लगाया कुत्ते को। और वो आप इधर ही आ रहे हैं? क्यों साधु बाबू, भगा दिया कुत्ते को? यही पास में आराम से बैठे थे बच्चू, चिता की जली लकड़ी खींच के मारी बेटे के। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अपना गिलास उठाओ और खाली करो। हाँ। हिमाद्री बस करो ये खेल। क्या खेल रहे थे कार्तिक बाबू? रंग मिलावल, ऐसे ही समय काटने के लिए, और क्या। क्या हिमाद्री बाबू, नींद आ रही है? नहीं, मुर्दनी में आकर मुझे नींद एकदम नहीं आती। क्यों, आप क्या बहुत सी मुर्दनियों में जा चुके हैं? बहुत सी ना भी हो तो भी 12-14 बार तो यहाँ आना ही पड़ा। मेरी तो ये सिर्फ तीसरी ही मुर्दनी है, बचपन से ही घर द्वार छोड़ के इधर उधर भटकता रहा, इन तीनों में से भी कोई मेरा अपना नहीं था। आपका रिश्तेदार कोई नहीं साधु बाबू? अरे देश में खानदान में कौन है कौन नहीं पता नहीं, 15 बरस की उम्र में ही घर छोड़ के भाग गया था, उसके बाद से खोज खबर ही नहीं। मतलब घर परिवार कहने लायक आपका कुछ भी नहीं? घर परिवार, जहाँ रहता हूँ वही घर बन जाता है, तंबू टाक बंगला कुलियों की बस्ती सस्ता कंदा होटल, हर कहीं रह चुका हूँ, कुछ बाकी नहीं छूटा है। बीच बीच में कभी खूब सजे बजे कमरों में रात कटती है, उसमें खर्च बहुत पड़ता है, पर रहने लायक वही होता है। हाँ। अच्छा साधु बाबू, ये जो आप ज्यादा रुपए खर्च करके कमरा भाड़े पर लेते हैं, वहाँ क्या आपकी जरूरत पूरी हो जाती है? जरूरत केवल वहीं पूरी होती है शशि बाबू, और कहीं नहीं। हाँ भाग्यवान। अरे भाग्यवान आप भी हो सकते हैं, सीधा रास्ता है, कहिएगा तो कभी दिखला भी दूंगा। मैं जा चुका हूँ, काम नहीं बना। तो फिर ब्याह कर डालिए। वो भी करके देख चुका हूँ। तो बड़ी मुश्किल है शशि बाबू, घर बसा के भी आपका काम नहीं बना और घर भाड़े पे लेके भी नहीं, अब आपको कहाँ भेजा जाए? चूल्हे में। वो जो बड़ा वाला चूल्हा जल रहा है ना साधु बाबू, उसी में। अरे वो तो है ही हम सबके लिए, पर वहां पहुंचने के पहले क्या कीजिएगा? तब तक दूसरों को उस चूल्हे तक पहुंचा कर जिंदगी काट दूंगा किसी तरह। अपने उस मालती का किस्सा नहीं कहोगे? बोलो ना, टालो नहीं, सब कह दो। मैं एक बार अभी आ। क्या हुआ? ओ शशि बाबू बाहर जा रहे हैं? हाँ जाइए जाइए, हो आइए। तो पर मैं भी जरा एक बार हल्का। तो चलिए मैं भी चलूँ, अपनी यूनिटी दिखला आई जाए। आइए हिमाद्री बाबू आप। नहीं नहीं, आप चाहिए। अच्छा तो तुम यहाँ बैठकर खाली बोतलों की रखवाली करो। हाँ। पता नहीं अभी और कितनी देर यहाँ रुकना होगा। सुनते हो हिमाद्री, सुनते हो? सुनो ना। कौन मुझे कौन बुला रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं। ये बोतल पियोगे? पी लो ना, थोड़ी सी पी लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पी सकता। नहीं पियोगे? अच्छा ना सही, लेकिन अपनी कहानी तो सुनाओ, अपनी और मिली की कहानी। क्या सोच रहे हो? उधर देखो, वो जो लाल चिता चल रही है, एकदम लाल, वो देखा? एकदम लाल हो रही है, याद आ रहा है?
उस समय इतनी देर तक आपको देख रहे थे तब याद नहीं आया था। मिली भी तो इसी तरह चली थी। बोलो बोलो, याद नहीं आ रहा है? बोलो, हाँ बोलो बोलो ना। बड़ी सुंदर कहानी है, मिली की कहानी, मिस मिली राय की कहानी। मैं क्या कर सकता था? शायद वो आ रहे हैं। क्या बात कही है आपने, सोना आने खरी। मगर ऐसा लगा जैसे शशि बाबू जरा। अरे वो सब कुछ नहीं है, बहुत दिनों बाद पी है ना, इसीलिए जरा देर बाहर खुली हवा में बैठने से ठीक हो जाएंगे। क्यों, क्या शशिदा की तबीयत ठीक नहीं? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, जरा सर में दर्द हो गया है और क्या, इसलिए थोड़ी देर बाहर बैठना चाह रहे हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है। खैर आओ कार्तिक बाबू, हम अपने गिलासों को खाली करें। तारा तारा मामा। साधु बाबू, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है, मुझे भी थोड़ी सी दीजिएगा। वाह वाह वाह, क्या बात कही है हिमाद्री बाबू, इसी की तो कमी थी। जरा पकड़ाइए वो चौथा गिलास। बस बस, और नहीं। अरे इतनी सारी दे। अरे माद्री बाबू, ये तो होम्योपैथिक डोज है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी कड़वी है। आप लोग किस प्रकार के सुख की खातिर इस जहर का पान करते हैं? इसका स्वाद जीभ को नहीं दिमाग को मिलता है, समझे? ये बोतल तो खत्म हो चली। आप बोलिए, मैंने एक बोतल और लाकर समझदारी का काम किया ना, और नहीं तो आप क्या करते? वो समझदारी की बात तो मेरे मन में भी आई थी, पर खाली समझदारी के भरोसे तो लाला की दुकान से माल उठाया नहीं जा सकता था। अरे साधु बाबू, बड़े जोर से हंस रहे हैं। आइए आइए शशि बाबू आइए, दिमाग खुलासा हुआ? दिमाग? मेरे दिमाग को क्या हुआ था, मेरा गिलास कौन सा? ये रहा, रुकिए रुकिए भर दो। शशि बाबू, गिलास उठाकर उधर क्यों चल दिया? बाप रे बाप, बाहर कैसा अंधेरा है, ऐसी रात तो कभी देखी नहीं थी। शशि बाबू, आपने तो कहानी पूरी नहीं की, बीच में ही छोड़ दी। कहानी? कहानी मालती की, कहानी मालती की। हाँ, इस चिता वाली लड़की की कहानी। आलती। मालती, मालती तुम यहाँ क्यों आई? तुम मुझे भगा दोगे? तुमने वचन दिया था कि तुम कभी भी। मैंने वचन नहीं दिया था। बात हुई थी कि तुम कभी भी। नहीं, कोई बात नहीं हुई थी, तुमने कहा था, तुमने सब कुछ तुम्हारा ही कहा हुआ था। हाँ हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? अच्छा बुरा, उचित अनुचित, मंगल अमंगल, तुमने सब ठीक कर रखा है। तुम सब ठीक ठीक जानते हो, तुम विधाता हो ना, तुम्हारे विधान में तो भूल हो ही नहीं सकती। मालती तुम खुद भी जानती हो कि... क्या जानती हूँ, खुद क्या जानती हूँ मैं? नहीं जानती इस समय इस तरह मेरे पास आने का मतलब? चली जाने को कह रहे हो? इसके सिवा और उपाय भी क्या है? ठीक है, चली जाऊंगी। पहले भी तुमने चली जाने को कहा था, चली गई थी। जिस रास्ते तुमने जाने को कहा था उसी रास्ते गई थी। हमेशा तुम्हारी ही जीत हुई है, हमेशा। जीत? क्यों, जीत नहीं हुई है? हमेशा तुम ही नहीं जीते हो। कैसी जीत, किसकी जीत? तुम्हारी और किसकी? अपने आप से जब जब तुमने लड़ाई की है तुम ही जीते हो। तुम में इतनी शक्ति है तुम जीत सके। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में बह नहीं गए, तुम हमेशा जीते। हार कैसी होती है तुमने जाना ही नहीं। मैं क्या हर जीत की बात सोच कर? नहीं, सो क्यों सोचोगे? तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालती। ठीक है, चली ही जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चली जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते। जाने से पहले केवल तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। ये देखो। ये क्या, तुम्हारी पीठ पर ये निशान, जैसे किसी ने गर्म लोहे से जलाया हो। मालती ये क्या? तुम्हारे दोस्त,
तुम्हारे भाई का प्रसाद। ओ, पर क्यों? मैंने उससे कहा था कि मैं उससे घृणा करती हूँ और तुम्हें प्यार। ओ, किस चीज से दागा है जानते हो? हम लोगों के ब्याह में तुमने जो चांदी का चाकू दिया था उसे ही गर्म करके उसने। चांदी खूब जल्दी गर्म हो जाती है ना, इसीलिए उसके पास समय बहुत थोड़ा था। ठीक है, मैं जाती हूँ, चली जाती हूँ। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं शशि बाबू? सातु बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, दूंगा क्यों नहीं। मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, खूब गहरा दोस्त। तो है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, और भी गहरा, एकदम बचपन से। या मान लीजिए मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई। मैं एक लड़की से आपका परिचय करवाता हूँ और कहता हूँ कि मैं उससे ब्याह करने जा रहा हूँ। लड़की भी मान लीजिए मुझसे शादी करना चाहती है, आप क्या उसे? और बताओ ना, इतने से काम चलेगा? नहीं, मैं ठीक से कह नहीं पाया। अच्छा, मान लीजिए आप जो जानते हैं कि मैं बुरा आदमी हूँ, नहीं इससे भी बढ़कर के बड़ा निष्ठुर हूँ, क्रूर हूँ, स्वार्थी हूँ। मेरे साथ ब्याह करके लड़की कभी सुखी नहीं हो पाएगी, आप ये जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं, तब भी क्या? सब बात कहो ना, आगे बोलो। इतना ही नहीं, आप ये भी पाते हैं कि आप उस लड़की से प्रेम करते हैं, लड़की भी आपको चाहती है, लड़की ये अच्छी तरह समझ गई है कि प्रदीप यानी मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तब भी क्या आप उसे मेरे हाथों सौंप देंगे? बोलिए, सौंप देंगे? सब कुछ जानते समझते हुए भी इस तरह उसे आग में झोंकना ठीक होगा? मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, क्या इसीलिए ऐसा करना उचित होगा? बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा आपने शशि बाबू, इसका क्या जवाब दो आप? कार्तिक बाबू, ना भाई, मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा। तुम हिमाद्री? शशि बाबू, यही सवाल अगर आप आज सुबह पूछते या शाम तक भी पूछते तो सीधा सा छोटा सा उत्तर देता, हाँ, क्योंकि वो लड़की आपके दोस्त की मंगेतर है। और इस समय? इस समय पता नहीं शशि, पता होता तो शायद इसे पीने की जरूरत ना पड़ती। तो तुम्हें नहीं पता हिमाद्री? नहीं, इस समय कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आप कर्तव्य समझकर उस लड़की को मेरे हाथों सौंप देंगे और साल भर के अंदर वो अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा लेगी। तब हम और आप उसके जले शरीर को कंधा देंगे और इसी तरह उसे यहां लाकर फूंक देंगे। आप कहेंगे वो मेरे अत्याचार से मरी है, ठीक ही तो है, इसीलिए मरी है। आपका क्या दोष, दुनिया यही कहेगी, आपका क्या दोष। और आप भी दुनिया के साथ गला मिलाकर जब तक कह सकिए, जब तक ताश दीजिए। साधु बाबू, देखूं इस बार जीत होती है या हार। कैसी लगी कहानी? मालती की कहानी बड़ी प्यारी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। प्रेम कहानी है ना, इसीलिए आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। बचपन से ही हर शाम को मैं खिड़की में खड़ी होकर देखा करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 15 साल की उम्र तक रोज, उसके बाद 3 साल तक नहीं देख पाई, कमरे में खिड़की नहीं थी। शाम के समय आसमान देखने के लिए मैं कैसे छटपट आया करती थी। 3 साल बाद फिर से आसमान देख पाई, वही पश्चिम वाली खिड़की थी। कब्जा टूट गया था, टूटे पल्ला नीचे झूलाया था, झूले। बरसात में छत से पानी चूता था, चूहे। बाबूजी को लकवा मार गया था, वो हर समय सोए रहते थे। घर की हालत बुरी थी, फिर भी मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि रंग बदलते आसमान को देखा जा सकता था ना।
उन बदलते रंगों के साथ न जाने कितने भाव मेरे मन में आते जाते। मुझे लगता जैसे मैं नववधु हूँ, उसी सलज्जा संध्या सी मैं भी लजाई सी आरक्त होती, सोचती काश कोई राजकुमार मुझे देखता, मेरा वरण करता। हे भगवान, देखा क्या क्या अनशन पक गई, ये कहानी थोड़ी है जी। अरे तुम लोगों का ताश का खेल खत्म नहीं होगा, मैं तो जलकर राख होने को आई। ये लीजिए साहब रंग का इक्का। वाह कार्तिक बाबू वाह, यही तो चाहता था। चलो गया। तेरह 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 सोलह सोलह। अरे गिन कर क्या कीजिएगा, वो तो पता ही है। उन्नीस उन्नीस इक्कीस इक्कीस काली झंडी। फिर हार गए ना। हिमाद्री बाबू अपना गिलास खाली कीजिए। नहीं मैं और नहीं लूंगा, मैं एक बार फिर चिता की हालत देखूंगा। मुझे सुबह जरूर छपके आएगी, डॉक्टर साहब की नजर ना पड़े यही भगवान से मनाता हूँ। अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो बहुत दिनों से इस दवाखाने में कंपाउंडर है ना? हाँ, करीब 26 साल हो रहे हैं। आपसे कभी किसी ने जहर मांगा है? नहीं। कोई मांगता तो क्या करते? मांगने से भी ना देता, खून खराबे में मैं नहीं। नहीं 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 कार्तिक बाबू, मैं खून खराबे की बात नहीं करता। मान लीजिए कोई कोई अपने लिए ही चाहता हो तो? तब भी न देता, जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। अच्छा, यदि आदमी कुछ ऐसी तकलीफ भोग रहा है। हाँ, तकलीफ दूर हो सकती है ये मैं मानता हूँ शशि बाबू, पर हम लोग तो जिंदगी से मौत के अच्छे होने की बात कर रहे थे ना, जिंदा रहने से अच्छा और कुछ भी नहीं। अरे आप लोगों ने तो जीवन दर्शन की बात शुरू कर। अरे साधु बाबू, ये तो शमशान की महिमा है। अरे तो हो ना, थोड़ा ज्ञान लाभ भी किया जाए। मेरी जिंदगी तो भाग दौड़ में ही बीती, कभी उस पर रुक कर गौर करूं इस तक की फुर्सत नहीं। जीवन न सही, आपने मौत तो देखी है साधु बाबू। मौत तो बराबर ही चारों तरफ देखता रहता हूँ। इस तरह नहीं, खूब अच्छी तरह देखी है। हाँ, शायद वो भी देखी है, कम से कम एक बार तो देखी ही है। उस समय जीवन को नहीं देखा था? शायद शायद देखा था, हो सकता है आपकी ही बात ठीक हो। मौत को देखने पर ही शायद जिंदगी को देखा जा सकता है। मौत, जीवन, मरण, किंतु मरण में भी यदि जीवन न दिखे न उभरे। कार्तिक बाबू जाने दीजिए, आपका ये जीवन दर्शन मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। फिर आपने जीवन का कम से कम एक बार तो दर्शन किया ही है। जीवन, जीवन क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? पगला घोड़ा मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, आता है ये पगला घोड़ा। बीबी बीबी यदि रास्ता ना छोड़े, यदि रास्ता न छोड़कर खड़ी हो तो क्या उसके ऊपर से चले जाओगे? पगला घोड़ा सिर्फ मेरी ओर तो आओ ना, पुकार कर कहो ना कि छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, मैं क्या बीबी नहीं हूँ? मैं क्या बीबी नहीं हो सकती? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? इस आग में चलते चलते नहीं कह सकूंगी कि पगला घोड़ा ऑल राइट वेरी गुड ऑल राइट वेरी गुड ऑल राइट। इस चेता वाली लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा ही नहीं हो पा रहा। हाँ, 4 साल से उसका बाप लकवे में पड़ा है, लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही लकवा मार गया। ससुराल? लड़की की शादी हो गई? बाकायदा मंत्र पाठ पढ़कर सब कुछ हुआ था। उसका पति कहाँ है? पति? हाँ, किसी पागल खाने में भी हो सकता है, घर में भी ताली चाबी में बंद हो सकता है, बहुत बड़ा मकान है, कोई परेशानी नहीं होगी। आई सी। सातु बाबू, एक ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि ब्याह हो जाने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक लड़के का पता था, पर उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया, लड़की ने उसे देखा ही नहीं, सुहाग रात को भी वो लापता था। उसके बाद 3 साल ससुराल में कैद रहने के बाद एक दिन रात में वो लड़की मैके भाग आई, यहाँ आकर देखा बाप खाट पकड़े है, मकान की हालत खस्ता हो चुकी है, खाने पीने का कुछ जुगाड़ यदि हो जाता
वो मलिक बाबू की रहस्य। ओहो, इतनी देर के बाद मलिक बाबू का प्रवेश होता है, हाँ? वही रहस्य की बात का। हाँ, यही रहस्य। मलिक बाबू ने इसी आशा में पुट्ठे को जिलाए रखा कि कौन जाने किसी दिन लड़की लौटे ही। खर्च ज्यादा नहीं था सो। बस बस चुप रहो और कुछ न कहो। अब समझ में आ गया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पर ये लड़की मरी कैसे है? एबॉर्शन था क्या? वैसा होता तो भी कहता अच्छा हुआ। समझ में आता कि हाँ, मरना सार्थक हुआ। चुप रहो, बस करो, बस करो, बस करो, एकदम चुप। माद्री बाबू आ गए। क्यों, क्या हाल है चिता का? बस घंटा भर और लगे। तारा तारा माँ। घंटा भर और, बस एक घंटा और। पगला घोड़ा, क्या एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत तुम्हें नहीं मिलेगी? मैं क्या मालती नहीं हूँ? मिली नहीं हूँ? लक्ष्मी नहीं हूँ? कौन? कुत्ता फिर आ गया। हाँ, कुत्ता फिर आ गया है। क्यों, लक्ष्मी का ध्यान आया? ये कुत्ते का रोना आपको बहुत ना पसंद है सातु बाबू? नहीं नहीं, मतलब इसका चीखना मुझे एकदम। लक्ष्मी। कार्तिक बाबू, थोड़ी सी दीजिए तो। ये लीजिए। कुत्ते जैसा नमक हराम कोई दूसरा जीव नहीं होता। एक कुत्ता था, रोज हमारे यहाँ, मतलब मेरे यहाँ आता था, दोनों वक्त उसे खाना देता था। सो ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल बाद मिला तो पहचाना ही नहीं, उल्टे काटने दौड़ा। अरे वाह सातु बाबू, कुत्ते के साथ 2 साल बाद मुलाकात होना, उसका पहचान ना पाना। हटाइए भी, कोई बढ़िया सी मजेदार प्रेम कहानी छेड़िए ना। प्रेम कहानी यहाँ कौन छेड़े? अरे ना हो तो गढ़कर ही कोई किस्सा सुना डालिए। ये गढ़कर किस्सा सुनाने से चलेगा? तब तो मैं भी चांस ले सकता। अरे लीजिए ना, हम सब सुनने को तैयार बैठे। बहुत दिन पहले कहानी सुनी थी। कहानी सुनी थी एक मोची से। एक बहुत बड़े मकान के सामने बैठकर मोची रोज जूता सिलाई करता था। उस मकान में एक 10-12 साल की लड़की बराबर आया करती थी, कभी कभी जूता भी सिलवाती, एक आध बातचीत भी करती, फिर चली जाती। जितने लोग भी आते उनमें से उस लड़की को ही, मतलब उस लड़की का ही वो मोची इंतजार किया। जरा रुकिए तो, आपके उस मोची की उम्र क्या रही होगी? उम्र काफी थी, 40-50 तो रही होगी। ओ, तो वात्सल्य प्रेम था। अरे भाई, प्रेम था भी या नहीं इसका तो फैसला हो जाने दो, अभी से वात्सल्य वात्सल्य करने लगे। हाँ हाँ, सुनाइए। इसी तरह दिन बीतने लगे। मोची की बड़ी इच्छा करती कि पुकार कर उस लड़की से 2 बातें करे, पर साहस ही नहीं कर पाता था। क्यों? अरे भाई, इस बीच सालों गुजर गए थे, लड़की अब पहले जैसी बच्ची थोड़ी ही रह गई थी। तो उससे क्या हुआ कार्तिक बाबू? उसके मन में क्या था, इसे वो खूब अच्छी तरह जानता था। भीतर ही भीतर वो बहुत बेचैन रहता था। 24 घंटे वो लड़की ही उसके दिमाग में घूमती रहती। असल में उस मोची के माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार कुछ भी नहीं था ना, बेचारा एकदम अकेला था। बाहर से जैसा अकेला वो था, वैसा ही सुना उसका मन था। सो सुने मन में उस लड़की ने अच्छी तरह डेरा जमा लिया था। इसके बाद लड़की की शादी हो गई। हम लोगों के घिसे पीटे सड़े प्रेम की ट्रेजेडी। किस्सा पूरा हो गया? नहीं नहीं, अभी और है। लड़की विधवा हो गई, या ससुराल वालों ने निकाल दिया, या वो खुद ही भाग आई, कुछ याद नहीं। कई साल बाद एक बार मोची ने उसे फिर देखा। हाँ, अब किस्सा रंग लाएगा? नहीं 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 साधु बाबू, नहीं, रंग लाने लायक इसमें कुछ नहीं है। वो मोची तो जैसे पहले उसे देखा करता था, वैसे ही अब भी देखता रहा। हाँ, इतना जरूर उसकी समझ में आया कि इन सालों में तनिक भी दूर जाने की कौन कहे, वो लड़की उसके मन में और गहरे उतर गई थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए?
इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उस मोची से फिर मुलाकात नहीं हुई। वाह वाह कार्तिक, था ऐसी जगह पर किस्से को लाकर छोड़ दिया। हिमाद्री असल में इस किस्से को शुरू करना ही ठीक नहीं हुआ, नशे की झोंक में लगा था कि खूब जमेगा, पर अब लगता है इस किस्से में कुछ दम ही नहीं है। साधु बाबू थोड़ी सी दीजिए तो। लीजिए। थारा थारा माँ, इतनी देर बाद अब नशा कुछ जम रहा है। हाँ, अब मेरा भी। हिमाद्री बाबू एकाएक उठकर उधर क्यों चल दिया? हिमाद्री तुम शराब पी रहे हो, जीवन में पहली बार तुमने आज शराब पी है। याद है हिमाद्री जिस दिन तुमने पहली बार मिली को? मिली, 12 बज रहे हैं, तुम्हारे माँ बाबूजी सब सो चुके हैं। अच्छा तो क्या हुआ? मैं बाहर से तो खा कर आई हूँ, मेरी सहेली डॉली की बर्थडे पार्टी थी ना। ओहो पार्टी थी, तभी गंध आ रही है, तुमने शराब पी है? इसे शराब पीना नहीं कहते हिमाद्री, डॉली के ऑनर में एक आध ड्रिंक ले लेना ना लेने से बड़ी बेहूदगी होती। शराब ना पीना बेहूदगी? मैं अब कभी नहीं पीऊंगी, कभी नहीं, प्रॉमिस है माद्री, प्रॉमिस, कभी नहीं माद्री, प्लीज। तुम गुस्सा मत हो हे माद्री, प्लीज। जिस समय तुम मेरे अच्छा या बुरा लगने की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती, तुम्हारी नजरों में उस समय मेरी कोई कीमत नहीं होती, मानो तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। नहीं ऐसा मत कहो, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुमसे परिचय होने के बाद से मेरी इतने दिनों की जिंदगी, ये टेनिस, ड्राइविंग, पार्टी, पिकनिक, ये सब। तुम यही सब तो चाहती हो ना मिली, इसीलिए आज पार्टी में जाकर ड्रिंक किए बिना तुमसे रहा नहीं। कैसे समझाऊं हिमाद्री, मुझे 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 थोड़ा सा समय दो, आज मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कल शाम को मैं तुमको सब बता दूंगी, बाहर चलकर तभी सब कुछ समझा कर कहने की कोशिश करूंगी। चलोगे ना? बोलो ना, चलोगे ना? तुम भी मुझे कुछ समय तो मिली, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा, कल शाम को चलोगे ना? हाँ। ऐसा नहीं होता मिली, ऐसा नहीं हो सकता। दो सालों से बहुत बार बहुत तरह से चेष्टा करके देख चुका हूँ, ये होने वाला नहीं। चेष्टा? तुमने चेष्टा की है मुझे एकदम बदल देने की, अपने समाज, अपने जीवन में एकदम मुझे मिला देने की, सरा सा भी इधर उधर होने पर तुमने मुझे दूर कर दिया, कुत्ते की तरह तुमने मुझे दूर दूर कर दिया। बार बार मैंने तुमसे भीख मांगी, पर तुमने एक बार भी मेरे जीवन, मेरे परिस्थितियों को समझने की चेष्टा नहीं की। क्यों करते? तुमने तो कभी भी मुझे प्यार नहीं किया। तुम जानती हो ये झूठ है, तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर है। तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। तुम जब कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं चल। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मिस रॉय, आपके बाबूजी की नौकरी से मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरा सूटकेस बाहर के कमरे में रखा है, आपसे शायद फिर मुलाकात ना हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए आप हरी हूं, धन्यवाद, नमस्कार। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम जानते हो कि मैं फिर मेरे घर आने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने मकान बदल दिया। क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपने से दूर कर देना चाहते हो? नहीं, मैं खुद दूर जा रहा हूँ। हिमाद्री अपना पता दे जाओ। नहीं। ठीक है, तुम यदि मुझे पता दिए बिना ही चले जाओगे तो तुम्हें मैं विस्की मंगा कर पीऊंगी और पीती ही रहूंगी तब तक जब तक कि मैं जलकर राख ना हो। कांग्रेचुलेशंस मिस रॉय, आपकी दुनिया आपको मुबारक हो।
सुना ज्यादा पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाइएगा। ज्यादा पीकर चलाने से ना जोर से चलाने की इच्छा होती है, खूब जोर से चलाने को मन करता है। 50 मील, 60 मील, 65 मील और फिर उसके बाद पेड़ से टकरा कर गाड़ी चकना चूर हो जाती है, शरीर चिथड़े चिथड़े हो जाता है, ऐसा कि पहचाना भी ना जा सके। शशिदा एकदम फुर्कस हो, क्यों 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 क्या हुआ क्या हुआ, बैठो बैठो बैठो, क्यों क्यों मैंने क्यों बैठो बैठो, ये लीजिए एक घूंट पी लिया तो नहीं पियो ना। एक्सीडेंट था शशिदा, एक्सीडेंट, सुसाइड नहीं। सुसाइड क्यों होगी, एक्सीडेंट है ना। ओह, फिर ये कुत्ता। अच्छा, अब इसे इस पत्थर से ठिकाने लगाता हूं। ले बेटा, इस कुत्ते को देखकर तुम्हें लक्ष्मी का भुलवा याद आ गया ना। साधु बाबू, ये कुत्ता वही कुत्ता है, फिर आकर बैठा है ना। ये दूसरा कुत्ता है, भुलवा तो मर गया, कब का। लक्ष्मी के मर जाने पर भुलवा कैसे जिंदा रह सकता है। जानते हैं, मैं इस कुत्ते को पालने की सोच रहा था। अच्छा अच्छा, 2 साल पहले जिसके साथ आपका पुनर्मिलन हुआ था। हाँ, कह सकते हैं, कितना बुलाया पर वो आया ही नहीं। पुनर्मिलन कहाँ हुआ था साधु बाबू। ऐसे ही रास्ते में। नहीं नहीं, रास्ते में नहीं, शमशान में। आसनसोल जिले में एक ऐसे ही गांव के सूने शमशान में। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी, हरिओम लक्ष्मी। बाबूजी, आप हमें लक्ष्मी क्यों पुकारते हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है। और तू मुझे बाबूजी क्यों कहती है? अब मेरा नाम तो बाबा, आपका भला नाम लेकर पुकारूंगी। क्यों लक्ष्मी, मैं तेरा आदमी हूँ क्या जो तू मेरा नाम नहीं ले सकती? आदमी? मुस्कुराने लगी, क्या हुआ, बोल। नहीं। तब? उससे बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, आदमी से भी ज्यादा, वो क्या होता है? हमें नहीं पता। तुझे तो कुछ भी पता नहीं होता, हर बार नहीं। हम पढ़े लिखे थोड़े हैं बाबूजी। लो दो। क्या? रुमाल धो दे। अरे आज ही तो धुला हुआ दिया है, फिर क्या धोएगी। तू तो मुझे एकदम निकम्मा बना देगी लक्ष्मी, अपने हाथ से कुछ करने ही नहीं देती। ओ। जा, तेरा भक्त आ गया है, उसे खाने को दे। बाबूजी, भुलवा तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता ना। अरे पर उपाय क्या है, उसे तो देखना ही पड़ेगा। मैंने उसे देखना छोड़ा तो तुम मुझे ही छोड़ देगी। बाबूजी, हम तो तुम्हें मर के ही छोड़ेंगे। भुलवा, ओ भुलवा, आ लक्ष्मी। तू इतनी रात गए, हाँ भीतर क्या हुआ? बाबूजी, हम वहाँ और नहीं रह सकते, हमें अपने पास रख लो बाबूजी। रख सकता तो क्या अब तक बाकी रखता। सुन, तू थोड़े दिन और देख ले, जान पहचान के अच्छे परिवार में तेरा इंतजाम करवा दिया है, अच्छी तरह काम करे तो बिना चिंता की जिंदगी कट जाएगी। फिर वही बात, बाबूजी हमें अपने पास रख लो, हम एकदम छिप के रहेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। मेरा लंबा चौड़ा मकान है क्या जो तुझे उसमें छिपा के रख सकूंगा? तंबू में, झोपड़ी में तू कहाँ रहेगी? हम छिपे छिपे रहेंगे बाबूजी,
हमें अपने पास रहने दो। वो तू तो ऐसी पागलों जैसी बातें करती है जिसका ठिकाना नहीं। उठ लक्ष्मी उठ, जा घर जा। तुमने हमें क्यों बचाया था बाबूजी? गुंडे तो ऐसी न जाने कितनी लड़कियों को चुरा कर लाते हैं, लड़कियों को खरीदते बेचते हैं। लक्ष्मी, तुमने काहे उन लोगों के साथ मारपीट की? लक्ष्मी, तुम काहे चुरा देख कर डरे नहीं? जान का डर तुम्हें काहे नहीं लगा? सिर्फ हमारे लिए ना। मान लो ऐसा ही हो तो फिर आज हमें अपने पास से दूर काहे भगा रहे हो बाबूजी? इसे भगाना कहते हैं? जा लक्ष्मी जा, घर लौट जा, जा। भुलवा, 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 आ, आ, भुलवा। मुझे पहचान नहीं रहा। अभी तो उसे पत्थर से मारा, अब पुचकार रहे हैं। अरे भाई, बात क्या है साधु बाबू? बात सुनिएगा। बात ये थी कि एक बार आसनसोल के एक खास कमरे में मैं एक खास काम में लगा हुआ था। बगल में एक लड़की टीबी या किसी और बीमारी से मर गई थी। जाकर क्या देखता हूं कि एक आवारा कुत्ता उसी बगल में बैठा है। वो किसी को लड़की के पास जाने ही नहीं देता था। हम कई लोगों ने मिलकर कुत्ते को खदेड़ के बाहर किया, फिर कफन काठी लाकर राम नाम से तह करते करते हुए इसी तरह के सूने शमशान में ले जाकर न जाने क्यों लोगों ने मुझे ही आग देने के लिए कहा। न जाने क्यों मेरे मन ने भी कहा कि यही ठीक होगा, और जैसे ही मैं आग देकर घूमा वो कुत्ता Get out, you bloody sewer का बच्चा। Get out! क्या हुआ? साधु बाबू। Get out! बैठो, हिमाद्री, कुछ नहीं हुआ। तारा माँ। अरे हिमाद्री। हाँ। भाई वो एक बार और उलट पुलट आओगी चिता की लकड़ियों को। हाँ हाँ, जाता हूँ। जरा वो साधु बाबू का भी ख्याल रखना। अच्छा कार्तिक दा, ये लड़की मरी कैसे? एंजोना पेक्टोरिस। सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने यही लिखा होगा। पर ये बताइए कि वास्तव में ये लड़की मरी कैसे? फांसी लगाकर? डॉक्टर ने आपको हिस्सा नहीं दिया? दिया था, मैंने लिया नहीं। क्यों? तारा तारा ब्रह्ममयी माँ। तुम्हारे भीतर क्या भरा है? तुम ऐसे ठंडे निर्विकार कैसे रह सकते हो? पगला घोड़ा के अन्याय विचार से तुम्हारे अंदर थूदू करके ज्वाला नहीं उठती? अच्छा कार्तिक दा, ये लड़की जिंदा नहीं रहना चाहती थी? क्यों चाहती, वो तो जानती न थी कि जिंदा रहने में क्या लाभ है। तुम ही बोलो क्या लाभ था, क्या लाभ था? वो मरना चाहती थी। हाँ, बीच बीच में ऐसा भी सोचती थी। किसी तकलीफ के कारण? नहीं। नहीं दीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? तकलीफ और सही नहीं जा रही है। तकलीफ? नहीं, तकलीफ नहीं है। मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई हूँ। तब फिर मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जिंदा रहकर क्या होता है, आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है, उसे क्या मिलता है? तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए तुम मरना चाहती हो शायद। तुम पाना क्या चाहती हो? प्रेम? प्रेम? पर वो क्या है, कैसे मिलता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, मेरी जैसी लड़की क्या कभी पा सकती है? क्या? प्रेम? किसी का प्रेम पा सकती है? किसी से प्रेम कर सकती है?
जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। सच? पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी ही होती है। पर तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए तो आपके पास जहर मांगने आई हूँ। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ, पर वो क्या किसी दिन होगा? नहीं होगा। आप मुझे जहर दे दीजिए। नहीं। ठीक है, मत दीजिए, दूसरे और उपाय भी है। सुनो, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप कैसे जाने? देखो, तुम मुझे 7 दिन का समय दो, दोगी? क्यों? 7 दिन बाद तुम आना, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने की चेष्टा करूंगा। यदि न दिला सका तो तुम जहर भी चाहोगी तो दूंगा। अच्छा, देखो। बुद्धू, बुद्धू कहेंगे, नहीं जानती थी ना कि जिंदा रहने पर सब संभव होता है। क्या क्या संभव होता है? कुछ नहीं होता है, मैं सब जानती हूँ। शशिदा, अब जिदा करीब करीब जल चुकी। जल चुकी है, एकदम खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। चलिए चला जाए। आइए आइए कार्तिक बाबू, आइए। बोतल में थोड़ी सी बची है, आप लोग कोई लीजिएगा। ना, चलिए चलें। कार्तिक दा, बोतल हाथ में लेकर क्या सोच रहे हैं? तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसे एकदम खत्म करके आता हूँ, देर नहीं लगेगी। कार्तिक बाबू, खत्म किए बिना और खात्मा देखे बिना हिलते नहीं ना। चलिए साधु बाबू, चलिए। आओ इमादरी, चलिए। तीनों चले गए। इस बोतल में अभी कितनी बची है? काफी है, लेकिन आपकी नींद नहीं, इसमें पानी मिलाना होगा। ये क्या कर रहे हो? पानी मिलाकर पीने लगे? रुक क्यों गए? ये कागज की पुड़िया क्यों निकाली है? क्या है इस पुड़िया में? सफेद पाउडर जैसी चीज, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गिलास में ये सफेद सफेद क्या मिला रहे हो? करते कंपाउंडर खत्म किए बिना और खात्मा देखे बिना हिलता नहीं ना। क्यों? सब खत्म हो चुका है, लीजिए इस बार सब खत्म। क्या कह रहे हो तुम? 7 साल तक मोची अपने अंतर को भरे रहा, करते कंपाउंडर 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। क्या? जाने दो, अंत देख लिया, अब और कुछ देखने को नहीं रहा, खेल खत्म। तुम 7 साल तक मेरे लिए? अब एक होंठ में ही तारा तारा माँ चेयर। नो नो नो, ये जहर, रुको रुको रुको। ये आवाज, मुझे चिता से उतार ले जाओ, अभी मैं जलकर राख नहीं हुई हूँ, अभी मैं जल रही हूँ, उतार लो उतार लो। पगला घोड़ा मुझे लौटा ला, मुझे उतार लो। पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, पगला
सचमुच जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। 7 दिन समय नहीं दिया, केवल 7 दिन चाहा था। मैं भी क्या वैसे ही भूल कर रहा हूं, तो क्या भी खत्म नहीं हुआ है? जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। शायद तब ठीक है। मैं थारा थारा मां बंगला घोड़ा। अभी आपने श्री बादल सरकार के इस बंगला नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतर सुना। हिंदी अनुवाद और रेडियो रूपांतर डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने किया। निर्देशक थे श्री एफ सी माथुर, सहायक श्री टी पी जैन, ध्वनि संयोजक थे सर्वश्री कृष्ण नरूला और गोपाल सक्सेना। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री टी पी जैन, अशोक सरीन, श्याम अरोड़ा, सुशील कुमार, बेला मुखर्जी, मंजू मैनी, सलीमा रजा और प्रभा मनचंदा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया और वहीं से प्रसारित किया जा रहा था।